उम्र बढ़ने के साथ साथ छछोटपन भी बढ़ता जा रहा है उसका। अब बहू आ गई घर में, कल को बेटी की शादी हो जाएगी, दादा दादी बन जाएंगे, लेकिन नहीं, उसे उसे नहीं समझ आ रही। खैर अब वो इतनी भी बुरी नहीं है जितना आप उन्हें समझते। आपको भी तो हर छोटी छोटी सी बात नागवार गुजरती है, और जब आपको गुस्सा आता है तो आप ना बड़ा देखते ना छोटा, एहतराम भूल जाते। वो भाभी की कॉल थी, शाम के लिए पूछ रही थी। भाभी को बता दो कि इस घर में सुल्तान है जो उनकी शहजादी का शौहर भी है और खादिम भी। उनकी शहजादी के एक कहने पे दिन को रात और रात को दिन बना सकता है। मुझे वाकई आपकी समझ नहीं आती। एक पल में आप कुछ होते हैं और अगले ही पल में कुछ और। ये तो पागलों की निशानी है। आप इतना मिस्टीरियस भी नहीं हो। असरा कहाँ है? उसे तो तुम्हारे साथ आना था ना। गया था मैं उसे लेने आपके कहने पर, लेकिन वो साथ नहीं आई। मतलब? मतलब ये कि गाड़ी में बैठ के मैंने उसका बहुत इंतजार किया, फोन कॉल्स की, मैसेजेस की, उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया, और मैं किसी का इंतजार नहीं करता। माने ना दिल, माने ना माने दिल, के तू मेरा।